ताकि अपने व्यू काउंट ना बढ़ जाए। और अरे दीदी के पीछे कहाँ लगा दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज के व्लॉग की शुरुआत दोपहर को हो रही 12:30 बजे, और आज का दिन अपने लिए थोड़ा सा स्पेशल है। पहले तो इसलिए क्योंकि आज अपना पहला व्लॉग आईफोन से शूट हो रहा है। और पहले ये बताओ कि क्लैरिटी कैसी लग रही है, मैं भी देखूँ। सेम ही है यार, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आईफोन हो, कोई भी फ़ोन हो, बस व्लॉग बनना चाहिए। तो आज है स्पेशल डे, इसलिए एक तो आईफोन से वीडियो शूट हो रही है, दूसरा हम जा रहे हैं फतेहनगर, वहाँ आ रहे हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वरिंदर सचदेवा जी। आज हमें उनके साथ मतलब दर्शन करने का मौका मिलेगा उनकी देखरेख में। बाकी उनका नेचर देखेंगे कैसा है, मतलब कैसा, मतलब उनका ट्रीट है संगत के साथ, तो वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे, साथ में उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। सो चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है उनके आने का और मैं वैसे ही 5 मिनट लेट हूँ। घड़ी तो पहनी नहीं, फिर भी आदत पड़ी है देखने की। सो ये सब चलता रहेगा, लेट्स गो यार, निकलते हैं। सो गैस इसी के साथ तुम्हारा भाई घर से निकल गया और ये लगा दिया कुंडा। कुंडा लगाना भी ना बहुत चैलेंज है, ये ऐसे लगाना पड़ता सिंगल हाथ से, लॉक तो लग जाता, ये नहीं लगता। तो तुम्हारे भाई की बाइक, कई बार मुझे अफसोस होता है कि कैसे कैसे मैं डिसीजन ले लेता हूँ। अच्छा खासा मैं बाइक लेने जा रहा था, लेकिन मैं ले आया ये अपना आईफोन। बस यही पे दिक्कत होती है सारी, कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता। तो वैसे घर वालों ने पहले ही बोल दिया था, बाइक लेके घर में अगर तू गुस्सा तो पिटेगा, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि तेरे को 100 cc से ज़्यादा हैवी बाइक नहीं लेके देनी, लेनी है तो बुलेट ले आ। तो बुलेट ऑलरेडी है, तो उस चक्कर में यह सब तो चलता रहेगा। तो खैर जो मिला उसी में खुश हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। भाई एक बात है, आईफोन से व्लॉग बहुत मस्त शूट होता है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। गोप्रो का भी अलग एक्सपीरियंस है और आईफोन का भी। अभी रास्ते में बहन भी मिलेगी। तो गाइस इस टाइम असी पहुंचे फतेहनगर, सानू दस ही। तो गाइस इस टाइम मैं पहुंचे फतेहनगर, तुहानू मैं दस्सिया सी अज की ईवेंट है। तो हमने थोड़ी देर से अपने प्रधान साहब इत्थे आ जाएंगे, तो उन्होंने टेकांगे मत्था। लेकिन अज ना एक ऐवी मतलब इशू लग रहा है, अज संगत बहुत ज़्यादा आई है। और ये अपने काके भाई, काके भाई की हाल है? वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ये अपना भाई, ये भी अपने ससुर जी का भाई, की हाल है? मिस्सा प्रशादा लैने, एक होर लैने, खाओ खाओ। अच्छा ज्यादा आ गया ना, एक होर लेना पैना। मैं तो खावगा भाजी। इसी बहाने सू लंगर खान का मौका मिल गया, तो चलो इतों निकल गए ना ना ही। सो गाइस इसी के नाल इतों आप निकलन लगे हैं सीधा घर वालू, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, दोपहर के बज गए हैं 3। गुरु घर भी मत्था टेक लिया, बहुत दिन हो गए से इतने आए नहीं सके। बस हम सीधा घर वाल निकले आ, रस्ते जो शबील मिली तो पियाँगे, मज़ा आ जाएगा भाई। सो गाइस फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अभी आपसे एक छोटी सी बात करते हैं। भैया फ़ोन भी ले लिया, घर के सारे काम निपटा दिए, जो जो हमने करना था इस महीने सब कर लिया। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में ना अपने व्लॉग, तो डेली व्लॉग है ना बड़े वाले, उसे मतलब कंटिन्यू करना है अच्छे तरीके से, ताकि अपने व्यू काउंट ना बढ़ जाए। और अरे दीदी के पीछे कहाँ लगा दिया भाई। यही कोई लड़का होता ना, मुझे टेंशन ना होती, वो आराम से निकाल लेता। ये लेकिन पता नहीं कैसे चला रही है, बार बार ब्रेक लगा दी थी। हालांकि मेरे को कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं हर जगह से निकाल लेता हूँ, इसकी वजह से मुझे आज ब्रेक लगानी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। और कैसा लग रहा है भाई व्यू आगे का? स्टेबलाइजेशन फुल ओके चल रहा है, लेकिन थोड़े दिन में मैं भाई सोच रहा हूँ GoPro के ऊपर शिफ्ट हो जाए। बस ये एक आधी वीडियो और वायरल चले जाए ना, सारे काम और निपट जाएंगे। बाकी भाई वेदर तो आज बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम हो रखा है, हर जगह शबील लगी हुई है। ओह सॉरी, जूते तो ऐसे लगाए जैसे लंगर बांट रहे हैं, देखना भैया दे रहे हो क्या यार? ये ऐसे टेंट मत लगाया करो इन दिनों में, हैं फील आती भाई लंगर वाली। मैं जाके उठा लूँगा, फिर बोलोगे भाई नहीं 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 सेल है, सेल है, सेल है तो दुकान के अंदर लगाओ, ऐसे टेंट मत लगाओ भाई।
लेट्स गो गाइस। आज के दिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है साउंड क्वालिटी की, उसके बाद नहीं होगी आज, क्योंकि मैंने अभी इसके साथ माइक लगाया नहीं है। आज फिक्स करके देखूंगा कि साउंड कैसा आ रहा है माइक का। अभी देखो यार, वीडियो बना तो रहा हूँ मैं 4K पे, देखते हैं ये एडिट होती है या नहीं होती, क्या पता कन्वर्ट हो जाए 2K में, कुछ नहीं पता। यार ये वाली बाइक के साथ जैकेट कौन पहनता है, वो भी राइडिंग वाली। चलो 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 निकाल दें। तुम्हारा भाई यार सिंगल हैंड चला रहा है, यार थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे मुंह ला रहा हूँ अपना। लेट्स गो गाइस। ये थार, भाई थार आ गई है, 5-door, नंबर अच्छा है इसका, 0009। भाई ये नंबर ही नंबर कम से कम होगा यार 5-6 lakh का तो होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। 9 है ना, VIP में आता है ये, जैसे 0000 के बाद कोई भी काउंट आएगा ना वो VIP में काउंट होता है। लेट्स गो गाइस। लो भाई इसी के साथ आ गए हैं घर पे। आज का अपना यार यही थोड़ा शेड्यूल था भाई, 2 घंटे लग गए इसी में। तो गाइस फिलहाल पहुंच गए हैं घर पे, अभी अभी थोड़ा करेंगे रेस्ट और थोड़ी देर बाद करेंगे अपना काम स्टार्ट। आप हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन। मेरे फैन? मैं तो कुछ करता ही नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं ऐसे ही। मैं तो नहीं बनाता। बनाते हो? किस नाम से? दिल्ली राइडर। आए मतलब देखते हो फिर तो भाई, ठीक है। हाँ फिर तो भाई जैन बना, पर क्या होता देख रहे कुछ लोग ऐसे कह देते हैं, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो चलो इसी के साथ आ गए घर पे, अभी खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी देखना डब्बू आएगा। डब्बू आए, डब्बू भाई अपना जो आज का काम आ चुका है ये सारा काम शाम को निपटा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ये बात है कि खर्चा चलता रहना चाहिए, बस अपने काम की शर्म नहीं होनी चाहिए। वीडियो से तो इनकम सोर्स अच्छा ही है, बाकी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोग ना अपना पुराना काम छोड़ देते हैं। भाई पुराना काम नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पूरे भाई प्रॉपर छा ना जाओ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जैसे जनवरी में ग्राफ अच्छा जा रहा था, तो अच्छे मतलब इनकम सोर्स उस टाइम अच्छा हो गया था, बीच में चैनल भी अच्छा चल गया था, है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि चैनल डाउन हो जाता है, जैसे आपने पूरी सुपरस्टार देखा होगा, अभी एकदम डाउन चल रहा है, मतलब इतने व्यू नहीं आ रहे। तो वैसे ही तो आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए, वैसे मेरा ये है और साथ में अपने नाइट बिजनेस है जो हम होटल बुकिंग वाला। तो ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करता, लेकिन कर रहा हूँ ताकि कोई ये अपना काम छोड़ के ना यूट्यूब लाइन में या इन्फ्लुएंसर लाइन में ना आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने काम पे भी ध्यान दो, साथ साथ में वीडियो पे भी ध्यान दो, क्योंकि वीडियो पे ना इतने पैसे बनते नहीं जितना ये इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं। अभी आपने देखा होगा एलविश यादव जब पकड़ा गया था, उसके पापा ने सारे फोन खोल दिया था कि गाड़ियाँ उसकी रेंटेड है, बाकी जो है सो है ही है, ठीक है। तो ये अभी निपटाते काम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।